सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट ब्रेन राइडर्स यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटी के बटन को हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट ब्रेन राइडर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए तीन मजेदार पहेली लेकर आए हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए तभी आप इसका सही जवाब दे पाओगे। पहली पहेली, दोपहर का टाइम था, सोनू की वाइफ प्रिया का मर्डर हो जाता है और उस टाइम उनके घर पर उनका हस्बैंड सोनू, घर की मेड और प्रिया की बहन पूजा रहती है। प्रिया का हस्बैंड पुलिस को वहां पर बुला लेता है और कुछ ही समय में पुलिस वहां पर आ जाती है। पुलिस फिर सभी से पूछताछ शुरू करती है। पुलिस पूजा से पूछती है कि आप क्या कर रही थी, तो पूजा बोलती है कि मैं टीवी देख रही थी। पुलिस उसके हस्बैंड से पूछती है कि आप क्या कर रहे थे, तो सोनू बोलता है कि मैं बुक्स पढ़ रहा था। फिर पुलिस उसकी मेड से पूछती है कि आप क्या कर रही थी, तो मेड बोलती है कि मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी। इन सभी के बयान ध्यान से सुनने के बाद पुलिस पता लगा लेती है कि खून किसने किया है। कैसे, पुलिस को कैसे पता लगा कि खूनी कौन है? क्या आप बता सकते हैं कि खूनी कौन है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपका समय शुरू होता है अब। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है मेड, क्योंकि वो बोलती है कि मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी, जबकि दोपहर के टाइम ब्रेकफास्ट कौन बनाता है, तो पुलिस मेड को अरेस्ट कर लेती है। दूसरी पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जो कि हम बिना हाथ लगाए तोड़ सकते हैं? इसका सही जवाब है वादा। तीसरी पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जिसे प्यास लगने पर पिया जा सकता है, भूख लगने पर खाया जा सकता है और सर्दी लगने पर जलाया जा सकता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है नारियल। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपने कितनी पहेलियों का सही जवाब दिया है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।